चल चल, माला माला संभाल के माला। हाँ ले ली माला। ओके चले। ये अशोक ही है ना? अरे नहीं नहीं महेश है ये। क्या तुम्हारी शादी किससे हो रही है? अशोक से ना? तो फिर अशोक ही होगा ना। पर ये थोड़े मोटे लग रहे हैं। अरे चांदी। अरे लालू लग तो रहा है मोटा हो। अरे अलका शेरवानी पहनी ना उसने, और शेरवानी में ना चूहा भी थोड़ा शेर जैसा नजर आता है। चल मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। चल चलो चलो। अरे बस बस झुक झुक जियो झुक झुक जियो। ठीक है ठीक है ठीक है, अब नई जिंदगी की शुरुआत करो, और कभी भी हम भाइयों की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना। घूंघट तो हटाओ। अशोक कौन? अशोक और तुम्हें शर्म नहीं आती सुहाग रात को अपने पति के सामने पराए मर्द का नाम लेते हुए? पति? ये सच नहीं है। पति हूँ मैं तुम्हारा, और तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। छोड़ो मुझे भैया, बचाओ मुझे भैया। भैया भैया अच्छा आप आ गए। भैया ये कह रहे हैं कि मेरी शादी अशोक से नहीं इससे हुई। क्या इतना बड़ा धोखा? अभी मजा चकाते हैं जीजा। भैया क्या कर रहे हो आप? वही जो चांदी ने कहा। जाजी चल एक मिनट, बाकी के पैसे। दो भाई जिन्होंने खुद अपनी बहन को उसके प्रेमी से मिलाने का वादा किया, और फिर उस झूठे वादे के आड़ में अपनी ही बहन का सौदा कर डाला। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ के इस चौंका देने वाले एपिसोड में मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। ये किस तरह के भाई थे जो अपनी ही बहन के विश्वास का व्यापार कर रहे थे? क्या असलियत थी इनकी? क्या होगा इस कहानी में आगे? यही जानने के लिए इस कहानी को आगे देखते हैं। नमस्कार पांडे जी। ये तुम लोगों के लिए। क्या पांडे जी, सब आप ही रख लेंगे तो हम नंगे नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या? समझा करो पांडे जी, हमें बहन की शादी भी करवानी है। ये तुम्हारी बहन है ना, कहो तो इसके लिए भी ग्राहक ढूंढ लूं। पांडे जी किसी की औकात नहीं है जो हमारी बहन का दाम लगा सके। दूसरी लड़कियों की शादी के लिए हम 25,000 से 30,000 लेते हैं, लेकिन अपनी बहन की शादी के हम कम से कम 5,00,000 लेंगे। 5,00,000? है मत तो बताओ। अबे इतने में तो मैं क्या, कोई भी अपना जवानी से लेके बुढ़ापा निकाल लेगा। तो ठीक है वही निकाल लीजिए, क्योंकि हमारी बहन तो तुरुप का इक्का है, वो तो तभी खुलेगा जिस दिन हम दोनों चाहेंगे। चलते हैं पंडित जी।
लालू हाँ एक बात पूछो। हाँ पूछना। देख शिखा को हमने तो कभी ऐसी नजरों से देखा नहीं। अरे देर है दुरुस्त है। वैसे पांडे जी की बात तो सही है, है तो कातिल जवानी। अरे पांडे जी गए तेल लेने, लोग क्या कहेंगे कि हमने अपनी बहन का सौदा कर दिया। अरे नहीं यार, इसे गठबंधन कहते हैं, संबंध। अरे कोई सरकार बना रहे हैं क्या हम गठबंधन कर रहे हैं? सरकार नहीं बना रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा अपनी बहु बेटियों की शादी दूसरे राज्य में करवाते थे ना। हाँ। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। बस हम भी तो वही कर रहे हैं, अपने पैसे की ताकत बढ़ाने के लिए अपनी बहन का कहीं और जगह संबंध, मतलब अपनी बहन का सौदा करवा दे। एक बात बता, तू मंदिर अकेली क्यों आती है? क्या करूं, माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है और भैयाओं को फुर्सत ही नहीं मिलती अपने काम से। वैसे ये तेरे भाई करते क्या है? क्यों, तू घूम फिर के मेरे भाइयों पे क्यों आती है? पसंद करती है क्या बताना? दोनों नहीं, मतलब एक कच्चा 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 कच्चा। तुझे क्यों बताऊं? बताना बताना। लालू लालू भैया, मैं अभी जाके बता दूं। बस मैं तुझे ऐसे नहीं कर सकती तू, मैं जा रही हूं। अरे देख अभी देर हो रही है, मुझे किराना लेने जाना है लाला के यहाँ। वो लाला? हाँ, बड़ा बदतमीज है ना वो। लालू भैया चल। अब बट्टी ये डाल दे, तीन बट्टी वो डाल दे। राम राम लाला जी। राम 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 राम। हाय राम, आ जाने में बड़ी देर कर दी तूने चंदा। हाय क्या हो गया था? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तेरा सामान अंदर रखा है, आजा ले ले। अरे मुकेश, वो सामान सब हो गया पंडित का? उठा उसके घर पे देख आ, चल जल्दी जा और सुन, जल्दी आना चंदा, आना, सामान तैयार रखा है। अरे आना चंदा। कुछ भी तोलना बोलना नहीं है, बस तू आ जा। ये क्या बदतमीजी है लाला? बदतमीजी कहारी पकड़ी हुई, ये तो मेरा प्यार है। हाथ मत लगाओ मुझे। ये बदतमीज दिख गई तुझे? और वो सराफत ना दिखी जो इतने महीनों से मैं फोकट का सामान तेरे घर पे बेचता रहा? चंदा बहुत तड़पा हूं मैं तेरे लिए, अपने एहसानों का बदला बड़ी सराफत से मांग रहे, सच कह रहे हैं। ए सुन, चुका दे वरना इसका पैसा तेरे बाप को चुकाना पड़ेगा, समझी? मेरा सामान दे तो, जाने दो मुझे, मैं बहुत तड़पा हूं तेरे लिए। सामान लेने के बहाने मुझे अंदर बुला के क्यों रे लाला? लाला देखो ये हमारा जाति लाला, सामान कहाँ है? अंदर रखा है, वही तो देने जा रहे थे। चंदा तू सामान लेके घर जा। तू घर जा चंदा, इससे हम निपटेंगे। क्यों रे बुढ़ा, बहुत जवानी फूट रही थी। लाला तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। क्या लाला जी, बुढ़ापे के लिए लाठी खोज रहे? अरे भैया हम बुढ़ापे की लाठी ढूंढे या आंसू पहुंचने के लिए अंगूठा, तुम्हें क्या? अरे काहे हमरे पीछे पड़े हो यार, क्या चाहिए तुम्हें? अरे लाला क्या हर बात पे तू रोने लग जाता है? देख हम तेरे पीछे इसलिए पड़े कि जिसके पीछे तू पड़ा ना तुझे दिला सकते हैं हम। चंदा मिल सकती है क्या?
हम पूरा मार्केट देखे, चंदा का तोड़ा मैं नहीं मिला। और तुम कह रहे हो मैं चंदा दिला सकता हूँ? दाम लगेगा। कितना? कितना है तुम्हारे पास? एक मिनट भैया, अभी इतना ही नहीं। लाला, एक तेरा काम हो जाएगा, लेकिन तुझे उसको यहाँ से बाहर रखना पड़ेगा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, चंदा बहुत जल्दी तुम्हारी है। लिया पूरा? अरे भरो भैया। नहीं नहीं, रहने दो, ले लो भैया। अरे बाद में पी लेंगे, आ जाओ। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। अरे शिखा, तेरी वो सहेली है ना चांदी, क्या नाम है उसका? चंदा ना? हाँ वो चंदा, उसके साथ सब ठीक है ना? हाँ भैया, क्यों क्यों? वो मिली थी हमें लाला की दुकान के सामने, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, आज इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो आप चंदा के बारे में? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ पागल। अरे इसमें शर्मा ना क्या? एक बात बताऊँ? क्या? चंदा भी ना लालू भैया के बारे में बहुत पूछताछ कर रही थी। क्या? क्यों? क्या बात कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। सच बात बताऊं, चंदा भी आपको बहुत पसंद करती है। क्या? भैया आप तो बहुत बड़े वाले निकले। पागल हो भैया तुम दोनों। बताए ना भैया, हम उससे बात करें? अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तू अपना काम कर, चल। क्या बात है भैया, अब तो मतलब तू भी हाजिर है, चल। चंदा, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी जल्दी, भागी भागी सी? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। जान? वो तो तेरी पहले से निकली हुई है, बता ना कहाँ जा रही है। वो मैं मंदिर जा रही थी। मंदिर? मंदिर? इस वक्त? इस वक्त कौन सा मंदिर खुला होगा, और वो भी इतनी सज धज के? तू छोड़ ना, जाने दे मुझे। एक सेकंड एक सेकंड, बता बता कहाँ जा रही है। शर्मा क्यों रही है? बता बता बता, किधर जा रही है, किधर जा रही है, बता बता। मुझसे क्या बुलवाती है, खुद ही समझ जाना। हाय हाय, लाली आ गई। हाँ अच्छा, तू जाने दे मुझे, देर हो रही है मुझे। रुक, नहीं रुक, नहीं। लालू जी। हाँ, अरे तुम आ गए? क्यों, आपको हम पे भरोसा नहीं था? अरे भरोसा था, लेकिन टाइम इतना हो गया ना, तो मुझे लगा तुम घर जाने दो। ऐसे ही खड़े रहेंगे हम? हुँ? कुछ बोलेंगे नहीं यार। हाँ लेकिन चंदा, मैं तुमसे कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर शुरू कहाँ से करें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है ना, ये प्यार मोहब्बत की बात किसी से की नहीं है ना, तो जी हमने भी कहा कभी किसी से की है, आप भी ना। ये बात भी ठीक है चंदा। चंदा हम तुमको नहीं, ऐसे नहीं होगा चंदा। हाँ? हमारी जो ये पहली मुलाकात है ना, इसको याद का कैसे बनाया? हमें क्या पता जी। तुम पान खाओगी? पान? हाँ ठीक है। अरे चांदी। यही है चांदी। अरे राम लक्ष्मण का प्यार है हमारा, जब भी नाम लेते हैं प्रकट हो जाता है। चांदी दो पान लाना यार। लाता हूँ। बस अभी आ जाएगा दो मिनट में। जी ले लालू। कैसी चंदा? ठीक हूँ। हाँ तू तू जा ना भाई, तू जा। भाई जा रहा हूँ। मैं खिला दूं? चंदा कैसा है पान? क्या हुआ, ठीक तो हो? थोड़ी सी चक्कर से आ रही। फिर तो सब ठीक ही है। नहीं नहीं, मेरा मतलब धूप बहुत है ना,
तुम इधर आओ, छांव में आ जाओ। आ जाओ। चांदी, अबे लेके आओ बुढ़ाऊ को। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ लाला। ये ले बुढ़ाऊ। चंदा, 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 ओ चंदा, बुढ़ाऊ, बुढ़ाऊ कंट्रोल, बुढ़ाऊ जागो। तो लाते हैं ना पैसा अभी। लाओ, लाओ। क्या करें? ले चलो। लालू और चांदी के लिए लड़कियां सिर्फ एक आम सामान्य वस्तु थी। इन दोनों के लिए रिश्ते और जज्बातों के कोई मायने नहीं थे। ऐसे घिनौने प्रवृत्ति वाले भाइयों की जितनी निंदा की जाए वो कम है, जो खुद अपनी बहन की कीमत लगाने से नहीं कतराए, किसी और लड़की को किस नजर से देखेंगे? क्या शिखा अपने आप को अपने भाइयों की इस बुरी नीयत से बचा पाएगी? क्या होगा इस कहानी में आगे, आइए देखें। अरे चाचा जी, आप इस वक्त यहाँ? शिखा बेटा, चंदा है यहाँ पे। चंदा इस वक्त नहीं तो क्यों? सब ठीक तो है ना? कहाँ है वो? बेटा वो भूल कर गई थी, मंदिर जा रही है। मैं एक दिन की अपने इलाज के लिए शहर गया हुआ था, या तो पड़ोसियों ने बताया वो दोपहर से निकली हुई है और अभी तक से लौटी नहीं है। चंदा कहाँ चली गई होगी? आपने आस पड़ोस में किसी को पूछा या नहीं? बेटा मैं सबसे पूछ चुका हूँ, किसी को कुछ पता नहीं। बेटा तुमसे कुछ बोला था उसने? नहीं चाचा जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, पता नहीं कहाँ गई होगी। अब तो पुलिस स्टेशन जाकर के रिपोर्ट लिखवाना ही पड़ेगा मुझे, और कोई रास्ता भी नहीं है। बेटा कुछ पता चले तो मुझे खबर कर देना। हाँ चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, वो मिल जाएगी। बता बता किधर जा रही है, किधर जा रही है, बता बता। मुझसे क्या बुलवाती है, खुद ही समझ जाना। भैया, भैया आज आप चंदा से मिले थे? चंदा? नहीं तो क्यों? क्या बात कर रहे हो भैया, उसने तो मुझे बोला था वो आपसे मिलने जा रही थी। ऐसे बेवजूल के कामों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, कुछ भी है बिना मतलब। चल खाना लगा। लाला कितनी बार कहा तुझे कि बेवक्त फोन मत किया कर। अरे कहा ना तुझे कि मिल जाएगी तेरी चंदा। एक काम कर, आधे घंटे में हमारे अड्डे पे मिल, वहीं लेके आता तेरी चंदा को। जल्दी करना यार, पूरे है ना? गिने हुए हैं? पूरे हैं। चल 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 ना, रुको, चल ना। अरे रुक जाओ क्या तुम दोनों चंदा के साथ? तुम दोनों को अपने भाई के लिए मुझे शर्म आती है। चल ना, चंदा छोड़ो मुझे, चंदा चल 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 भागना, चल चल। अरे क्या कर रहे हो उसके साथ, और इसे इस तरह क्यों भाग रखा है? तू बीच में मत बोल माँ, आज हम इसे सबक सिखा के ही रहेंगे। लेकिन इसने किया क्या है? चांदी पता है इसने क्या किया? करने का दिया ऐसे हमने।
सबके सामने हमारे मुंह पे काली पोतने निकली थी तुम्हारी ये लाडली। बेटे के साथ भल रही थी तेरी बेटी। हाँ, अगर सही टाइम पे हम नहीं पहुंचे होते ना तो इसे पकड़ लेती दिल्ली की बस, खानदान का नाम मिट्टी में मिला देती। ये दोनों सही बोल रहे हैं? झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हैं। असल में कालिक तो ये पौधे निकले थे, पता है इन्होंने चंदा के साथ। चुप करी, हो गई तेजा शुरू उसकी। हाँ, चंदा भी शामिल थी इसके साथ, वो भाग गई अपने यार के साथ ससुराल और इसको पकड़ लिया। हमारे मुंह पे कालक पोत के हम ही पर उंगली उठाती है। चल तो ये सबक सिखाता हूँ। अरे रुको, अरे छोड़ दो इसको। देख माँ, तू बीच में मत बोल, बाबा के बाद नहीं हमारी जिम्मेदारी घर की इज्जत संभालना। चल इसको अंदर ले, अंदर इसको, अंदर ले इसको। माँ माँ, तू बीच में मत बोल, मैंने कहा ना बीच में मत बोल। बहुत सामान चलती है तेरी, बहुत बोलती है। माँ कहाँ ये खाना किसके लिए लेके जा रही? बेटा शिखा के लिए, वो कल रात से भूखी है। ओ मदर इंडिया, दो चार दिन वो खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। रखो उधर ये, रखो उधर। और वैसे भी आजकल उसको बहुत चर्बी चढ़ी है, जब उसकी चर्बी उतर जाएगी ना तब उसको खाना खिला देना। छोड़, बोल रहा हूँ ना, तूने खाया ना खाना? चल सहेली, उसको मेरे भाइयों ने अगवा करके वो किराने वाला लाला ना उसको बेच दिया था। ये मेरे भाई है। दरोगा जी, ये हमारी बहन है, बहुत दिनों से बहुत परेशान रहती है, माफी चाहते हैं आपसे। दरोगा जी, हमें माफ कीजिएगा, हमारी बहन आजकल कुछ भी बोलती है। वैसे आपको इसकी बातों में सर खपाने की कोई जरूरत नहीं, दरअसल ये घर से भाग रही थी और हम दोनों ने इसे पकड़ लिया, बस तभी से लगी है हम पर इल्जाम लगाने। झूठ बोल रही है तुम। देखो तुम्हारे घर का मामला है, घर में ही निपटाओ, अपनी बहन को ले जा सकते हो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन तुम तीनों को हमारे साथ लाला के घर जाना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। वो, लेकिन वो कहाँ मिलेगा? वो तो चंदा को लेके चला गया। नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला जाएगा, वो कहीं भी होगा उसको पता लोग से ढूंढ के निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास चंदा के बाबूजी का FIR है और तुम्हारी शिकायत के बाद मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ।
देखा दरोगा जी, नहीं कहा था मैंने, लाला चंदा को लेकर भाग गया है। पांडे, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लाला के खिलाफ वारंट। कहाँ हुआ इंस्पेक्टर साहब, इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? अरे कहाँ बताएं इंस्पेक्टर साहब, हमारे रिश्तेदारी में एक मौत हो गई, अकेला रिश्तेदार हूँ, उसी का अस्थि विसर्जन करने जा रहा था। ओके माफ कीजिएगा। नहीं दरोगा जी, ये सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। दरोगा जी हमारी बात मानिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इससे पूछिए चंदा कहाँ है। दरोगा जी, हमने आपसे पहले ही कहा था, हमारी बहन हमें फंसाने पर तुली है। देखो ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है, ले जाओ अपनी बहन को। जी दरोगा। दरोगा जी मेरी बात मानिए, सुनिए तो। चल अब ठहरो, छोड़ो लड़की को। पागल हो गया लाला तू, पहले मेरे पैसे दो। क्या? अबे कौन से पैसे बुड्ढे? अरे वही पैसे जो हमने तुम्हें चंदा के लिए दिए थे। क्या बकवास कर रहा है बुड्ढे? बकवास नहीं, तेरे को चंदा दिया हमने। अरे चंदा, इससे पहले कि हम उसके साथ कुछ करते, चंदा ने आत्महत्या कर ली। इसमें उसी की हस्तिया है। देख लाला मेरा दिमाग नहीं खराब कर, तूने लड़की मांगी थी ना। हाँ। हमने लड़की दी दी, अब तू लड़की को लोटे में डाल के लेके आ गया है और पैसे भी हमसे मांग रहा है। अंदर चल। अरे अंदर क्या चल, लेकिन भैया। अरे उसको संभाल। अरे चांदी, मैं भी हम बहुत खर्चा कर चुका हूँ। अंदर। अरे हम तो राशन का महीने भर का पैसा भी नहीं लिए उससे थे। चांदी इसको यार चल। लाला तू अंदर घुस जा, मैं तो तेरी भी एक हस्तियां बनवा लूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। अंदर क्या हो गया इसे? कुछ नहीं, बेहोश हो गई। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को। होना क्या है, क्या होना है, ये सब का सब टीवी और सिनेमा का असर है ये। और क्या, पहले वो चंदा भागी, उसके पीछे ये भागी, आजकल की सारी लड़कियां पता नहीं क्या हीरोइन बन गई है, और पढ़ाओ लिखाओ उनको। तू सही कह रहा है चांदी। भाई मैं हमेशा सही कहता हूं, पर अब इसका किया क्या जाए। अरे करना क्या है, चंदा गई सो गई, कम से कम इसके हाथ तो पीले कर दें। हमने तो कितनी बार कहा तुम दोनों को, लेकिन सुनो तब ना। हाँ हाँ माँ तूने कहा है, पर अब इसका हाथ थामेगा कौन। बस अब कोई और कुछ नहीं कहेगा, हम दोनों भाई अपनी इस अभागी बहन के लिए वर ढूंढेंगे, ठीक है। और हम कोई ऐसा वैसा नहीं ढूंढेंगे, लाखों में एक ढूंढे। अच्छा चलो अंदर तो चलो चलो। आप है तिवारी जी, और तिवारी जी आप तीनों मिलके तय कर लीजिएगा क्या करना है और कैसे करना है। देखो भाई मर्जी तुम्हारी है, और वैसे मजबूरी भी तो तुम्हारी है, है? अब इसका किया क्या जाए। अरे करना क्या है, चंदा गई सो गई, कम से कम इसके हाथ तो पीले कर दें। हमने तो कितनी बार कहा तुम दोनों को, पर अब इसका हाथ थामेगा कौन। रिश्ता पक्का समझो जीजा जी। अरे बहुत बढ़िया, बधाई हो। अरे मुबारक हो साले साहब, मुबारक हो। मुबारक हो आपको, आपको भी बधाई हो। हां तिवारी मुबारक हो। मुबारक। क्या शादी और इनके चुने हुए लड़के से? कभी नहीं। क्या कहा तूने, कभी नहीं। तेरी ना को हाँ में बदलना हमें अच्छे तरह से आता है, और हम तुझे पूछ नहीं रहे, हम तुझे बता रहे हैं। चांदी मेरी बेल्ट लेके आओ। हाँ हाँ मार दीजिए, मार मार के जान निकाल लीजिए, पर हम शादी नहीं करेंगे। चांदी बंद कर इसे कमरे में। तू चल बंद कर। देखा तूने, ये सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है। अरे हमसे जुबान ला रही है, हमसे। अरे शांति रखो, मैं समझाती हूँ ना उसे। ये क्या हो गया तुझे शिखा, तू पहले तो ऐसी ना थी। छोड़ो
जब तुम्हें अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं रहा, तो कुछ भी किसी का फायदा नहीं। चलो छोड़ो इन सब बातों को, खाना खा लो। नहीं बा, इस घर का खाना मेरे लिए जहर से कम नहीं है। समझ नहीं आ रहा लाल, क्या समझ नहीं आ रहा? एक समझा कर, शिखा की हालत ना मेरे से देखी जा रही है ना माँ से देखी जा रही है। कुछ करना पड़ेगा। करते हैं कुछ। हम तुझे मारने नहीं आए, बल्कि हम तो अपनी गलती की माफी मांगने आए तेरे से। देख, हम तुझे ना ऐसी हालत में नहीं देख सकते। तेरी और माँ की हालत ना हमारे वजह से। माफ कर दे, हम आज ही जाके ना अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। तू बस एक बार खाना खा ले, उसके बाद तू चौक ले। हम दोनों भाई बहन खा ले। अचानक नहीं पगली, तेरा संघर्ष, तेरी तपस्या देखकर हम दोनों ने कितनी कोशिश की तुझे तोड़ने की, पर तू हमें, हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, पर हम आज ही अपने सारे गुनाह कबूल कर लेंगे। सच? खाओ हमारी कसम। तेरी कसम? तेरी कसम पगली, बस तू एक बार खाना खा ले। चांदी खाना खिला। चांदी चांदी खाना खिलाओ ना, बस एक एक लास्ट, बस एक लास्ट पेट वाला। भर गया बस। अरे तूने कुछ नहीं खाया कल से, थोड़ा खा। आ रही है माँ, आ रही है वो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम धर्मध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, तबीयत जरा डाउन है। अब दुल्हा दुल्हन को फेरों के लिए बुलाइए। चांदी, अब तुझे कितनी दवाई मिलाई है, तो हिल भी नहीं पा रही। लगता है ज्यादा हो गई, पहले से कमजोर भी तो थी ना। चलिए आ जाइए। जी 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 जी, पंडित जी जल्दी करो। बस बस, और नहीं, हो गया हो गया। अरे बेटा,
ऐसे कैसे? अरे भैया अभी तो फेरे भी पूरे नहीं हुए, ये शादी कैसे पूर्ण होगी? नहीं जितने फेरे होंगे काफी, बाकी हम मैरिज रजिस्टर करवा देंगे। चलो चलो विदाई का टाइम हो रहा है। मामा बस हो गया, विदाई का टाइम हो रहा है, चलो चलो। आइए जीजा जी। जीजा जी हमें अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त हमारा यहाँ होना बिल्कुल भी जायज नहीं है। हम तो बस थोड़ी सी जायज सी मांगे लेकर आपके पास आए थे। जीजा जी ये देखो ना, आपने इतना सस्ते में सौदा पटा लिया, वो भी हमारी मजबूरी का फायदा उठा के। देखिए आपने खाक के भाव में हमारा खजाना चुरा, पूरी रकम ना सही, कुछ तो दे दो। कुछ तो रहम कीजिए जीजा जी, कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो दे दीजिए जीजा जी आप। अरे मुंह दिखाई समझ के दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे रहे दे रहे दे रहे। इंस्पेक्टर साहब बहुत जीजा जी खेल लिए। आइए माता जी आइए। नमस्कार, आपके दोनों सुपुत्र बौखला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे क्या हुआ। आप भाभी बताइए अपने सुपुत्र की कारस्तानियां। तुम दोनों ने मेरी बेटी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो तो मैं ही अंधी थी, तुम दोनों की चाल समझ नहीं पाई। शेखा ने जब अपने को मारने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि तुम दोनों ने उसके साथ क्या किया है। और शिखा ने मुझे ये भी बताया कि तुम दोनों ने चंदा के साथ क्या किया। भैया ने नहीं, उसने ही मुझे इंस्पेक्टर के पास जाने के लिए कहा। जब मैंने इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बताया तो उन्होंने लाला को भी गिरफ्तार कर लिया। लाला जी आप बताएंगे आपके किस रिश्तेदार की मौत हुई है? हाँ बताइए, घबराइए नहीं। हाँ माता जी, हमने लाला जी को अरेस्ट कर लिया है, उन्होंने सब कुछ बता दिया इनके बारे में, किस तरह इन्होंने चंदा को उसके हवाले किया, किस तरह बेचारी चंदा की मौत हुई। जब मैंने लाला से पूछताछ की तो मैंने उन ग्रोहों को पकड़ा जिनके साथ ये दोनों काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है उन्हीं के साथ इनके जीजा जी भी हमारे कब्जे में आ गए। जब तुम दोनों मेरे पास मुझसे माफी मांगने आए, मुझे खाना खिलाने आए, मैं तभी समझ गई थी कि ये सब तुम्हारी चाल है। और मैं भी हाँ में हाँ मिला दी। अगर तुम जैसा भाई हो ना तो हम जैसी बहनों के लिए दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं होती। मुझे शर्म आती है तुम दोनों को अपना भाई कहते हुए, शर्म आती है। लालू और चांदी को लड़कियों को किडनैप करके उनकी जबरन शादी कराने के लिए आईपीसी की धारा 366, उन्हें जबरन प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने के लिए आईपीसी की धारा 377 और आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा लाला को चंदा का शोषण करने और चांदी और लालू का षड्यंत्र में साथ देने के जुर्म में आईपीसी की धारा 354 और 120A के तहत 4 साल की सजा हुई। हर बहन के लिए उसका भाई उसका रक्षक होता है और होना भी चाहिए, पर जब यही रक्षक उसका भक्षक बन जाए तो कोई किसी पे विश्वास कैसे करेगा। ऐसे में हम दाद देना चाहते हैं शिखा और विमला देवी की हिम्मत की, उन्होंने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई। उनके लिए मुजरिमों को सजा दिलवाना रिश्ते के मोह से बढ़कर था। आइए हम सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, आइए जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं, आइए उत्तर प्रदेश को एक क्राइम फ्री प्रदेश बनाएं, अपराधियों को बता दें कि यहां ना तो अपराध के लिए जगह है और ना अपराधियों के लिए। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है, फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर जो आपको चौंकाएगी पर जाते जाते एक सीख देकर जाएगी। तब तक देखते रहिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।